ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। आम जनता नूं मिले हर एक कानून एट ए टाइम पास हुंदा, इस दे लई कानून क्यों नहीं पास हुंदा कि एट ए टाइम एक्शन लिया जा सके। सरकारां कहिंदियां सी इन्नियां नौकरियां देवांगे, आ देवांगे, ओ देवांगे, बाद विच सारे वादे झूठे हो जांदे आ। कुछ नहीं दिंदियां सरकारां, सिर्फ झूठे ते झूठे वादे हुंदे आ। साडियां सरकारां नशा घर घर पहुंचाउंदियां, नशा देश दे अंदर आउंदा, सरकारां लियाउंदियां तां आउंदा ते घर घर जांदा। इस करके ओह नशे दे करके फिर उन्होंने पैसा चाहिदा हुंदा आ, पैसे करके वह लुट्टा खवां करदे आ, गले वढ़दे आ, कदी किसी का समान लुट्टदे आ, कोई बच्चों उन्होंने फिर किसी नाल कोई मतलब नहीं रह जांदा, वह सिर्फ नशे तक ही सीमित रह जांदे आ। इह किहदे करके? साडियां सरकारां दे माड़े सिस्टम करके। सरकारां कहिंदियां सी इन्नियां नौकरियां देवांगे, आ देवांगे, ओह देवांगे, बाद विच सारे वादे झूठे हो जाते हैं। कुछ नहीं दिंदियां सरकारां, सिर्फ झूठे ते झूठे वादे हुंदे आ। साडी धीआं भैणां दी रखिया कित्थे है? साडे बच्चिआं दी रखिया कित्थे है? साडे बच्चिआं दीआं नौकरियां कित्थे है? साडा भविख कित्थे है? साडे बच्चिआं दा भविख कित्थे है? अज इह सवाल इह सरकारां नूं करदीआं। मैं इक सरकार नूं नहीं, सारीआं सरकारां नूं इह सवाल करदीआं कि साडी बच्चिआं दा भविख कित्थे है? साड़ियां सरकारां ने खुल दित्ती हुई है, क्राइम करो, ठीक है, कोई एक्शन आ गया, आ गया, कानून लागू हो गया जी, ठीक है, जेल च चल जाओ, जेल च जाके जमानत हो गई, बच्चे खुले घूमो, जो मर्जी करो, कोई गल नहीं। क्यों क्यों नहीं इस गल ते कानून बनदे? मैडम जी की कहना चाहोगे इत्थे तुसी के देश दा सिस्टम ठीक होएगा किवें? किद्दां दे लोक एमएलए एमपी बनो? देश दा सिस्टम किद्दां ठीक हो जू? अज दे समें दे विच जिस समय दे विच एमएलए एमपी, कई एमएलए एमपी हैगे जिहड़े खुद बुला आराम नाल बैठे आ, ऐशो आराम नाल, कोई गल नहीं, ठीक है, परचा हो गया, उन्हां ते कोई कुछ नहीं हुंदा। अजकल अनपढ़ लोक ए वोटां ते खड़ जांदे आ, जेल च बैठा वोटां ते खड़ा आ। वह बैठा तां जेल च, तुसीं उहनूं किद्दां वोट पाई जांदे आ? वह किद्दां वोटां जीती जांदा? अज अपने ही बहुत प्यारे आज़ाद देश भारत के दे भैड़े सिस्टम की गल कर जा रहे हैं, जिथे रोजाना घटनावां वापरदियां ने बलात्कार वर्गियां, जिथे रोजाना घटनावां वापरदियां ने चोरियां दियां, लुट्टां खोहां दियां, जिथे रोजाना घटनावां वापरदियां ने लोकां दियां बेरोज़गारी दियां, बेअनसाफी दियां, महंगाई दियां, लोक सड़कां ते हाए हाए करदे, त्राह त्राह करदे आम सानूं दिखाई दिंदे ने। रेलां रोको, सड़कां रोको, मुजहरे तरने सारे पासे हाए हाए होई पई आ। सरकारां दे द्वारा बनाए गए इदां दे भैड़े सिस्टम तो लोग त्राह त्राह करते हैं। वो देश भगतां दा सपना कदों पूरा होएगा? असी परसों हजे 28 सितंबर नूं शहीद दे आजम सरदार भगत सिंह दा जन्मदिन मना के हटे, जिन्हें सिर्फ 23 साल की उम्र के बच्चे ही सपना लिया सीगा उन्होंने कि देश मेरा भारत इदां दा होवे, सब बराबर होण, किसी नूं कोई बेइंसाफी ना होवे, किसी नाल अत्याचार ना होवे, कोई जात, कोई पात, कोई भेद, कोई भाव ना होवे। पर अज भी जे शहीद भगत सिंह ने 23 उम्र की साल की उम्र के बिच ही रस्सा चूमिया सीगा, तो रस्सा चूम के उन्हें आप कुरबानी दिती, होर देश भगतों ने कुरबानियां दित्तियां, इसलिए कि दे मेरे देश के दे लोग जिहड़े आज़ाद रहन, सुखी रहन, बराबर रहन, किसी भैण दे नाल कोई अत्याचार ना हो। पर यह देश जदों तो यह साडे लीडरां दे हथ दे विच आया तो देश गुलामां नालों भी भैड़ा देश के दे लोग जिहड़े ओह समां बतीत कर रहे हैं। थोड़े दिनों की घटना जिहड़ी तुहाडे तुसीं चंगी तरह देखी है, यूपी दे जिहड़ा जिला हाथरस है उत्थे मनीषा लड़की दे नाल घटना वापरी, गुंडिया ने गैंगरेप किया, गैंगरेप तो बाद उहदे गुप्त अंग दे उत्ते तेल पा के साड़िया, उदू बाद भी वह बोले ना, उहदी जीभ बड़ी आ, फिर भी वह तुरे ना, उहदी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, जिहड़ी कुछ दिन बाद हस्पताल दे विच तड़फ तड़फ के मरी है। इदां दीआं घटनावां क्यों वापरदियां ने? कित्थे है लोगों की सुरक्षा? कि इसे लिए देश भगतों ने सपना लिया सी, इसे लिए आज़ादी लैंदी सी, इसे लिए उन्होंने कुरबानियां दित्तियां सीगियां? बहुत बड़े
सवाल खड़े होंगे ने इस देश के दे पैड़े सिस्टम के उत्ते जिन्होंने कुछ करना नहीं कतरना नहीं देश के दे वी आई पी कल्चर उन्होंने कोल सारी की सारी सिक्योरिटी है देश के दे लीडर के कोल जिन्होंने कुछ करना नहीं कतरना नहीं जोड़े सामभ के बैठे ने उन्होंने कोल देश की सारी सिक्योरिटी आ ते आम लोग जोड़े ने वो किमें अत्याचार के शिकार होंगे ने भैं साड़ियाँ किमें वो बलात्कार शिकार होंगे ने किमें लोग लुट खोह का शिकार होंगे ने मेरे नाल ने इस विषय के उत्ते चर्चा करने के वास्ते उगे समाज सेवक सुखविंदर कौर अपरा जी सब तो पहला सत श्री अकाल जी जय भीम जी सत श्री अकाल जय भीम जय भारत जी बड़े दुख नाल कहना पै रहा कि जिहड़ी साडी भैण साडी बच्ची 10-15 दिन पहला दी गल है उहदे नाल जो दरिंदगी होई आ सोच के भी रोंगटे खड़े हुंदे आ साडियां बेटियां दी की सुरक्षा आ कोई सुरक्षा नहीं हैगी अज दे समाज दे विच कि साडे जिहड़े कुरबानिया देने वाले शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होर बहुत सारे साढ़े देश लिए जिहड़े कुरबानिया दे के गए आ कि उन वह की सोचते होंगे कि असी इदा के लोगों कुरबानिया दित्तियां की सोचते हो कि किदां दा सिस्टम आ अज सिस्टम ते सवाल उठते आ हर एक वी आई पी दे बच्चे नूं सिक्योरिटी मिलती आ अज साडियां बच्चियां सुरक्षित नहीं हैगियां साडियां बच्चियां लई कोई सुरक्षा नहीं हैगी असी किते भी बच्ची नूं भेजदे आ साडे दिमाग च आउंदा कोई भी हर वेले डर बनिया रहिंदा आ हर वेले बच्चे नूं बाहर भेजदे आ बच्चा सही सलामत घर आवे बच्चा पढ़ गया बच्चा सही सलामत घर आवे हुण जो बच्ची नाल दरिंदगी होई आ उहदे नाल बलात्कार किया गया उहदी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ी गई तां कि उह तुर ना सके उहदी जीभ वड्डी गई आ कि उह बोल के किसी नूं कुछ दस ना सके क्यों क्योंकि उह गरीब परिवार चों सी दलित परिवार चों सी पर धियां भैणां तां सब दियां सांझियां हुंदियां ने धी सारिआं दी सांझी हुंदी आ ते भैण वी सारिआं दी सांझी हुंदी आ जे अज उस धी नाल होया कल नूं साडी धी नाल वी हो सकदा इह सोच के रोंगटे खड़े हुंदे आ रूह कंब जांदी आ इन्नी दरिंदगी होई आ उस बच्ची दे नाल अज साडे सिस्टम दे सवाल खड़े हुंदे आ कि सिस्टम कर की रहा आ मैडम जी की कहना चाहोगे जिवें जिहड़ी पिंडां दे विच जां शहरां दे विच जिहड़े आम लोक रहिंदे ने उहनां दी सुरक्षा किदां दी हैगी आ सुरक्षा पहला तो देखा जाए कि 10-15 पिंडां दी जिहड़ी चौंकी हुंदी आ उहदे विच सिर्फ 5 मुलाजम हुंदे आ पुलिस मुलाजम 5 हुंदे आ ते उत्थे ही एक MLA नूं 5 मुलाजमां दी सिक्योरिटी आ ते पिंडां दी रक्षा कदों करनगे जदों नहीं MLA MP दे दुआले लगे रहना आ पहला सवाल यह खड़ा हुंदा आ इन्हां नूं जे ये अपनी जगह सही होनी इन्हां नूं सिक्योरिटी दी कोई लोड़ ही नहीं हैगी आम जनता दी रक्षा करन ये आम जनता दी रक्षा कदों करदे आ कदों करूंगे जदों इन्हीं MLA MP जां होर लीडरां दी इन्हां ने देखी इन्हां ने देखना आ आला दुआला इन्हां ने देखना हाँ जी उन्हां दे आले दुआले घूमी जाना बाकी समाज नूं कदों देखना उन्हां कोल तां टाइम ही नहीं हैगा उन्हां कोल टाइम नहीं हैगा इस गल लई ते अज जे लीडर कोई भी आ मैं एक नूं नहीं कहिंदी हर एक कोई भी लीडर आ जे उह चंगा होवे उहनूं सिक्योरिटी दी कोई लोड़ नहीं उहदी फैमिली नूं सिक्योरिटी दी कोई लोड़ नहीं हर एक लीडर नूं अजकल सिक्योरिटी उहदी फैमिली नूं सिक्योरिटी मिली होई आ जदके इह सिक्योरिटी आम जनता नूं मिलनी चाहीदी आ आम जनता नूं मिले हर एक कानून एट ए टाइम पास हुंदा इस दे लई कानून क्यों नहीं पास हुंदा कि एट ए टाइम एक्शन लिया जा सके जिहड़े दरिंदे आ दरिंदगी करदे बेखौफ हो के दातर लै के घूमदे आ बच्चियां ते इन्ना जुल्म करदे बच्चियां ते ही नहीं बच्चियां ते भी बहुत जुल्म हुंदे आ इह नहीं वी कल्लियां कुड़ियां ते मुंडियां ते भी बहुत जुल्म हुंदे आ हुण तुसीं गल कीती आ कि मंदरां दे विच इदां हुंदा इह तां बहुत ही साडे समाज लई क्योंकि साडे देश नूं इक धार्मिक देश मन्निया गया पहले तौर ते ठीक है जे धार्मिक स्थानां ते इह कम गलत होऊगा साडा समाज किधर नूं जा रिहा कुछ नहीं समझ लग रही विश्वास किसी ते भी नहीं किया जा रहा कित्थे विश्वास करांगे साडियां सरकारां नहीं साडा साथ दे रहियां देश दे सिस्टम लई की कहना चाहोगे बेरोजगारी भ्रष्टाचार बच्चे डिग्रियां लैके घूमदे आ मापे इन्ने पैसे ला ला के बच्चियां नूं पढ़ाउंदे आ औखे हो के मेहनत कर करके बच्चियां नूं पढ़ाउंदे आ बच्चियां दीआं पढ़ाइयां ते इन्ने खर्चे आउंदे ते बच्चे डिग्रियां लैके वेले घूमदे आ बेरोजगारी सरकारां कहिंदियां असीं इन्नियां नौकरियां देवांगे आ देवांगे ओह देवांगे बाद विच सारे वादे झूठे हो जांदे आ कुछ नहीं दिंदियां सरकारां सिर्फ झूठे ते झूठे वादे हुंदे आ होर कुछ नहीं हुंदा ते जे आपां सिस्टम दी गल करदे आ भैड़ा सिस्टम कहिंदे हुंदे हर एक बंदा कही जांदा हां जी भैड़ा सिस्टम पहलां अपने आप नूं बदलो मैडम जी की कहना चाहोगे जिहड़े जिहड़ा क्राइम जिहड़ा इलाकियां दे विच पिंडां शहरां च रोड दे उत्ते सड़कां दे उत्ते हो रिहा क्राइम उहदा उहदे लई तुसीं की किहनूं जिम्मेवार मानदे हो अज दा नौजवान पीढ़ी जो भी है बच्चे आ उह वड्डियां वड्डियां डिग्रियां लै के हत्थां दे विच वेले फिरदे आ
नौजवान पीढ़ी साड़ी वेली फिर दी उन्हां दे कोल काम कोई काम नहीं है जे सरकार साड़ी उन्हां नूं नौकरियां देवे उन मानसिक तौर पर ना परेशान होण उह मानसिक तौर पर परेशान होण दे कारण नशे का सहारा लैंदे आ जिहड़ा कि साड़ियां सरकारां ने घर घर पहुँचाया होया आ साड़ियां सरकारां नशा घर घर पहुँचाउंदियां नशा देश दे अंदर आउंदा सरकारां लियाउंदियां तां आउंदा ते घर घर जांदा इस करके उह नशे दे करके फिर उन्हां नूं पैसा चाहिए हुंदा आ पैसे करके वह लुट्टा खवां करदे आ गले वढदे आ कदी किसे दा समान लुट्टदे आ कोई बच्चियां नूं उन्हां नूं फिर किसे नाल कोई मतलब नहीं रह जांदा वह सिर्फ नशे तक ही सीमित रह जांदे आ इक इहदे करके साडियां सरकारां दे माड़े सिस्टम करके। मैडम जी की कहना चाहोगे साडा देश जिहड़ा उह धार्मिक देश हैगा इत्थे देवी देवतिआं दा देश मन्निआ जांदा इत्थे तां स्वर्ग होणा चाहीदा सी क्योंकि देवी देवतिआं दा पहरा देवी देवतिआं दी किरपा साडे धर्मक आगू साहिबानां दी किरपा इत्थे प्रचार बहुत है पर वो स्वर्ग इत्थे नहीं है की कहना चाहोगे दिली। एक तो साडे देश नूं सरकारां लुटदियां दूजे नंबर ते धार्मिक आगू जो कि सिर्फ उन्होंने एक पैसे बनाउण दा धंधा पैसे कमाउण दा धंधा ही बनाया होया इहनूं तां मैं तां धंधा ही कहूंगी कि धंधा है इह उस रब दे नां दे ते जो भी धार्मिक स्थानां दे नां ते उन्होंने प्रचार करना कि दुख निवारण हो गया जी थोड़ा दुख कष्ट ऐदा हो गया जी हो गया ठीक है चल जाओगे स्वर्ग दे विच अगले जन्म स्वर्ग दे विच चल जाओगे जी अगले जन्म अगला जन्म किने देखिया जन्म तो यही स्वर्ग आ नरक स्वर्ग जन्म जिहड़ा आपां जी रहे हां अज जो भी आपां वर्तमान समां आ उही अपना जन्म अगले दा की पता पिछले दा किने देखिया कौन देखिया कुछ नहीं किसी ने भी देखिया अगले अगले जन्म दे विच स्वर्ग बनाउंदे बनाउंदे इहनूं नरक बना नरक बना दित्ता होया आ ते लोक की हुंदे अखां मीट के भेड चाल फड़ी होई आ जिद्दन नूं देखिया हां जी ठीक है जी उस धार्मिक आगू ऐदा आ वह धार्मिक मैं किसी परसनल नू नहीं कहती सारिआं दा इक्को ही काम आ सारिआं दा ही इक्को ही काम आ सिर्फ अपने लिए पैसा इकट्ठा करन ते ही लगे हुए आ जो कि भ्रिष्टाचार दे विच ही आउंदा आ। मैं यही कहना चाहूँगी एक तो सरकारां ने जातां पातां दे नां ते लोकां नू वंडिया होया आ मैं तो यही कहूँगी कि सारे जाने एक मंच ते इकट्ठे होवो साडी धीआं भैणां दी रखिआ कित्थे आ साडे बच्चों की रक्षा कित्थे है साडे बच्चों दी नौकरियां कित्थे है साडा भविख कित्थे है साडे बच्चों का भविख कित्थे है अज इस सवाल इस सरकारां नूं करदियां मैं एक सरकार नूं नहीं सारिया सरकारां नूं इह सवाल करदियां कि साडी बच्चों का भविख कित्थे है अज साडी बच्चों की जो दुर्दशा हो रही है उहदा जिम्मेवार कौन है सरकारां जिम्मेवार ने जिन्हां ने शरेआम खुल दित्ती होई है इन्हां दरिंदियां दरिंद जो दरिंदगी करदे आ इन्हां दरिंदगी करन वालियां नूं शरेआम जिहड़े खौफनाक हो के बेखौफ हो के इन्नी दरिंदगी करदे आ बच्चियां नूं बच्चियां नहीं समझदे पता नहीं मैनूं तां इस इनसानां नूं मैं कुछ कह नहीं सकती इस जगह ते वी मैं इदां दे इनसान नूं आपां की कह सकदे आ उहदे लई कोई लफ्ज़ नहीं इन्हां इंसानों नूं आपां कह की सकते हैं किसी के भरा नहीं किसी का कोई भैन नहीं किसी का कोई कुछ नहीं लगता उन्होंने सिर्फ क्राइम करना मतलब आ क्राइम क्यों करते साड़ियां सरकारां ने खुल दित्ती हुई है क्राइम करो ठीक है कोई एक्शन आ गया कानून लागू हो गया जी ठीक है जेल च चल जाओ जेल च जाके जमानत हो गई बच्चे खुले घूमो जो मर्जी करो कोई गल नहीं क्यों क्यों नहीं इस गल ते कानून बनते क्यों नहीं एट ए टाइम चलो असं मानते हैं हर एक गल नू प्रूफ करन केदी गलती कित्थे हैगी कित्थे नहीं हैगी टाइम लगता पर यह नहीं कि तुसी 8-7 साल नगा दो अगला ऐश की जिंदगी घूम के लाइफ जी के ठीक है जी हुण थानू सजा आ हुण कादी सजा वो तो बच्ची गई ओदी की लाइफ सी ओदे नाल की होया वो 7 साल पहला हो गया इन्ना टाइम हो गया वह तो खुले घूमते सी उन्होंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उन्हीं तो अपनी जिंदगी ऐशो आराम नाल जी आ की पता उस तो बाद उन्हें किन्ने क्राइम किए जेड़ा एक बारी क्राइम कर गया ना वह फिर बेखौफ हो जाता कि कोई गल नहीं अगे की हो गया तो हुण की हो जाना साडा इस करके अज करारी चोट सरकारां नूं आ कि अपना सिस्टम जिहड़ा इन्ना गलत इन्ना भैड़ा सिस्टम आ इह अज सरकारां नूं चाहीदा आ कि जद बाकी कानून लागू हुंदे आ इह वी कानून लागू होना चाहीदा कि जे बच्चियां दी सुरक्षा इह नहीं वी कहण नाल हो गया जी सुरक्षा हो गई तां हो गई पर नहीं इह ते अमल होना चाहीदा इह ते कारवाई होनी चाहीदी उह वी पूरी इमानदारी नाल। मैडम जी की कहना चाहोगे इत्थे तुसी कि देश दा सिस्टम ठीक होएगा किवें किद्दां दे लोक एमएलए एमपी बनाउण देश दा सिस्टम किद्दां ठीक हो जू अज दे समें दे विच जिस समें दे विच एमएलए एमपी कई एमएलए एमपी हैगे जिहड़े खुद बलात्कारी आ
आराम ना बैठे हैं, ऐशो आराम ना, कोई गल नहीं, ठीक है, परचा हो गया, उन्होंने कोई कुछ नहीं होंगे पाया। सिस्टम ता ही ठीक होगा कि एम एल ए उस बंद ही चुनिया जाए जे कोई पहला परचा ना हो, कोई उन्हें क्राइम ना किया हो, पढ़िया लिखा हो, सूझवान हो, एम एल ए बनना चाहिए। तो धार्मिक आगू, धार्मिक आगू भी बलात्कारी हैं जो कि अज भी जेलों के कई तो बैठे हुए हैं। तो साढ़े समाज में यह चाहिए आ कि असी सोच समझ के सूझबूझ नाल ही उस नहीं कि गल्लां आ गए, गल्लां आ गए, मंत्रियों ने तो वादे करने ही होंगे असी आ कर देवे वह कर देवे। मैडम जी देश के अंदर जिवें लोकतंत्र है, लोगों द्वारा लोगों वास्ते लोगों लिए ही सरकार बनती हैगी आ, लोगों को की प्रेरित करना चाहोगे कि अक्सर लोग भी तो चंगी तरह देखण भी असी किदां दा बंदा एम एल ए बनाउणा, किदां दा एम पी बनाउणा, लोग भी इन्हां दे अपने दिमाग होने चाहिए ने। अजकल अनपढ़ लोग वोटां ते खड़ जांदे आ, जेल च बैठा वोटां ते खड़ा आ, वह बैठा तो जेल च, तुसीं उहनूं किदां वोट पाई जांदे आ, वह किदां वोटां जीती जांदा आ, इह साडा की यह सिस्टम आ, इस सिस्टम नूं बदलना चाहिए। जिहड़ा तां जेल च बैठा जे तो कोई परचा दर्ज आ, जिहने कोई क्राइम किया आ, कोई भी उहदे ते किसे तरह का भी उहदे ते क्लेम आ, उस बंदे नूं वोटां ते खड़े होण की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। दूजी गल, समाज नूं चाहिए, साढ़े समाज के लोगों नूं, जनता नूं जिहड़े वोट पा सकदे, अज दा नौजवान पीढ़ी सूझवान आ, पढ़ी लिखी आ, समझदार आ कि असी सानू साडे सिस्टम नू की चाहिए आ, किदां दे लोकां दी लोड़ आ, किदां दे एम एल ए एम पी जां कुछ भी अगे जो साडे हैगे नुमाइंदे, पढ़े लिखे नुमाइंदियां दी लोड़ आ, ना कि अनपढ़ जिहड़े आके बह जांदे उत्तों पढ़े लिखे 10-15 अफसर उन्हां दी सिक्योरिटी करदे आ। क्यों करदे? अनपढ़ां दी सिक्योरिटी, जिहनूं कुछ नॉलेज ही है नहीं, की करना, सिस्टम दी कोई नॉलेज है नहीं, की करना की नहीं करना सिस्टम दे विच, उहदी 10-15 जणे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए आ उस मंत्री एम एल ए दे। क्यों साड़ी जनता की सिक्योरिटी अज क्यों नहीं हैगी? इस करके नहीं हैगी कि साड़िया जो एम एल ए एम पी जो कुछ भी चोणा होंदियां आ, साडे समाज नूं चाहीदा, साडे समाज दे जिहड़े सूझवान, सारे सूझवान ही जनता आ साडे समाज दी, उहनां नूं इह चाहीदा कि सानूं किद्दां दा मंत्री एम एल ए एम पी जां प्रधानमंत्री जो भी सानूं चोण असी करते हैं, सानू किद्दां दे इंसान की लोड़ आ जो कि साडे समाज नू सुधार सके अगे जाके, तां कि साडा समाज वधिया बन सके। पर हजे तां असी जीरो, मैनू तां जीरो ही दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इन्हें मैडम सुखविंदर कौर जी उगे समाज सेवक ने जिहड़े अपरां तों ने, इत्थे बहुत वड्डे सवाल खड़े हुए ने अज्ज दे देश दे सिस्टम ते, इह वी सवाल खड़े हुए ने कि देश दे अंदर लोकतंत्र है, लोगों द्वारा एम एल एम पी लोगों वास्ते चुने जाते हैं, पर लोग किदां दे लोगों नूं चुणदे ने, इह लोगों के हाथ दे विच सवाल हैगा। पर दूजे पासे खड़दे किदां दे लोग ने, इन्हां ने दस्सिया कि जिवें बलात्कारी पहले स्कैंडल दे विच जिहड़े पहले 100-100 परचा जिन्हां दे ते, उह दुबारा दुबारा खड़ खड़ के उह अगे आ रहे ने। इह देश दे लोगों नूं भी सारे सिस्टम ठीक करने के अगे आना पेगा, तो नाल जिहड़े राज करन वाले लोग ने उन्हां नूं देखना पेगा कि लोग जिहड़े आ उह किवें किद्दां औखे होकर गुजारा कर रहे हैं, किद्दां दीआं तंगीआं तुरशीआं चल रहे ने। वो जिवें एक बहुत छोटी बच्ची मनीषा दे नाल घटना वापरी है, इस तरीके दे नाल जिहड़ियां आने वाले समय च इदां दीआं घटनावां ना वापरन। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तुसीं देखते रहो एन के एन टीवी।